हेलो राधे राधे। और आज हम बनाएंगे ढोकला। उसके लिए ले लिया मैंने ये सबसे जरूरी चीज, बेसन। और इतना अच्छा ये ढोकला बनेगा, बिल्कुल फ्लफी सा। ये मैंने 4 चम्मच बेसन ले लिया है, ये थोड़ी सी बड़ी वाली स्पून है। और ये 2 चम्मच सूजी है। इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दी। थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर, जिससे इसका कलर अच्छा सा आएगा। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक गाढ़ा सा घोल बना लें। ये मैंने घोल तैयार कर लिया है। और देखें, है ना, इतना ना ज्यादा गाढ़ा हो ना ज्यादा पतला हो। बस अब इसको ढक के रखते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो गए और ये भी हमारा अच्छे से हो गया। बस अब इसमें ये इनो का एक पैकेट है, इनो डाल दें। थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें। बस इसे एक ही डायरेक्शन में मिला दें इसको अच्छे से। और ये मैंने प्लेट में तेल लगा लिया अच्छे से। बस इसमें इसे खिला दें। और मैंने पानी खौलाने रख दिया था, अब उसमें से रख देते हैं। ये पानी मैंने खौलाने रख दिया था, अब बस इसे इसमें सेट कर दें। इसे ढक दें और 15-20 मिनट के बाद इसको देखते हैं कैसा बनता है। और 15 मिनट हो गए और ढोकला को देखते हैं कि ये चक्कू मैंने इसमें डाल के देखा है और ये चक्कू बिल्कुल देखो साफ है दोनों तरफ से। इसका मतलब है ये हो गया। बस तो गैस को ऑफ कर दें। जब तक ढोकला ठंडा होता है तब तक इसका तड़का बना लेते हैं। ये तड़के के लिए कटोरी चढ़ा दी मैंने और इसमें ये थोड़ा सा तेल डाल दिया। इसमें ये मैंने राई डाल दी। जब राई चटक जाए, राई चटकने लगे ये कड़ी पत्ते डाल दिए। ये 3-4 हरी मिर्चें जो आधी आधी कर लेंगे ये भी इसमें डाल दें। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इसमें 2 चम्मच चीनी। बस चीनी घुल जाए ना इसमें। और ये नींबू है और ये नींबू निचोड़ दें इसमें। और गैस को ऑफ कर दें। जैसे एक खट्टा मीठा सा पानी तैयार है। चलो अब ढोकला तैयार करते हैं। बस ढोकले को साइड से जरा सा ऐसे करिए। इसे निकाल लें। कितना जालीदार ये ढोकला बनके तैयार है। और इसे मनचाही शेप में काट लें। इसमें ये जो तड़का बनाया था ये इसमें डाल दें। और ये हमारा ढोकला बन के तैयार है। और ये कितना जालीदार बना है। खाएं और एंजॉय करें।